आते, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन तो निश्चय ही है, परिवर्तन होगा हुआ होगा और हुआ है, परंतु दूसरे किसी प्राणियों का मुझे सटीक प्रमाण देकर के दो तो मैं मानूंगा ऊंट जब संसार में आया तब किस आकृति का था और अब इस आकृति का बना, वहां आप चुप हैं। भैंस किस आकृति की आई और अब किस आकृति की, आप चुप हैं। मनुष्य के लिए आप कहते हो बंदरों से मनुष्य बना, वहां आप वकालत करते हो। तो जरा आपकी बुद्धि और विवेक बहुत तेज हो गया है 21वीं सदी में, विज्ञान ने बहुत उन्नति की है। एक बंदर यहाँ का मैंने देखे, बड़े बंदर होशियार है, एक बंदर को पकड़ के ला करके और शास्त्र पढ़ा करके विद्वान बनाए और किसी को बड़ी कुर्सी पर कोई जनप्रतिनिधि बना करके बिठा दे तो मैं मानूंगा कि हम बंदर हैं, नहीं तो ये झूठी बात है। हम बंदरों की औलाद नहीं, हम ऋषियों की औलाद है। हम वो थे जो विश्व को ज्ञान देते थे, वो था जो विश्व के मार्गदर्शक बनकर के बैठे थे। और कौन सा हमारा ऐसी जाति और समाज है जिसके अंदर धर्म गुरु बनकर के किसी न किसी के मानव कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए, पर्यावरण के लिए काम नहीं किया, उसी की परंपरा का निर्वहन करने के लिए मेरे सामने बैठे हो। जम्बेश्वर भगवान के उन अनुयायियों को भी हृदय से साधुवाद करता हूँ, पर दर्द और पीड़ा के साथ भी कहता हूँ, रास्ता भटक चुके हो, ये कटु सत्य है, रास्ता भटक चुके हो। ऊपर से सफेद कपड़े पहनने से वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं या भगवान चाहते हैं, जम्बेश्वर हम अंदर से भी सफेद हो जाएं। मुझे दुख और पीड़ा होती है, सांसों से निकल करके इस सीमा तक जाता हूं तब हमारे समाज के युवाओं की जो कमर टूटी हुई देखता हूं नशे से, तब हृदय रोता है। क्या ये जम्बेश्वर भगवान ने ये कहा था? अभी के कृत्य जो हम देख रहे हैं, दर्द और पीड़ा देखते हैं, परिवारों की जो हालत देख रहे, परिवार टूटे पड़े, युवा पीढ़ी टूटना, युवा की कमर तोड़ना देश की कमर तोड़ने के समान है और समाज की कमर तोड़ने के समान है। अब यदि आपको ये सिद्धांत बचाने हैं तो युवाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करो और उस बुराई को निकालो जो आप अच्छा ही समझ करके अपने अपना के बैठे हो। और वह बुराई मैं आपको बताऊं, कुत्ता हड्डी चबाना शुरू करता है और कुत्ता ये सोचता है कि हड्डी में से जो स्वाद आ रहा है वो हड्डी में से आ रहा है, खून आ रहा है हड्डी में से आ रहा है। भ्रम है कुत्ते का, हड्डी में से खून नहीं आ रहा है, खून उसके मसूड़ों में से आ रहा है। कुत्ता भ्रम से हड्डी चबाता है और कोई सुधीजन उसको हड्डी छुड़वाने के लिए जाएगा तो कुत्ता उल्टा गुर्राएगा कि हड्डी मत छुड़वाओ। ठीक ऐसे हमारे समाज ने जो व्यापारीकरण किया नशे का, उसको छोड़ना शुरू करो। ये कठोर कदम जिस दिन उठाओगे उस दिन समाज अग्रसर आगे बढ़ेगा। हम अपनी तरफ अपना अवलोकन करें, हम कौन थे, किनके अनुयायी हैं, किनके नाम पर झंडा लेकर के धर्म का चलते हैं।